क्योंकि जो बरेली है ये पूरा एक सेंटर सा पड़ता है लखनऊ और उसके बीच का एक बढ़िया क्षेत्र ये है। अब यहाँ पे इसलिए आए, मुरादाबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अपनी बात बताने आए हम। तो देखो किसान को नुकसान बहुत है, वो एमएसपी पे खरीद रही उसकी उपाधि लिखत पढ़त में बहुत है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बड़ा व्यापारी खरीदता है सस्ते में और महंगे में एमएसपी में बेचता है। बहुत ट्रक आपने देखे होंगे, हजारों ट्रक रोज निकलते हैं यहाँ से धान के उसके, और आपने तो पूरा देखा है यहाँ पे भी, यहाँ से बराबर में शाहजहाँपुर आपके हैं, रामपुर बराबर में है कि जब धान किसान अपना बेचता है तो लाइन में ही लगा रहता है, बस रोड़े रुके में ही रहता है किसान। तो इस सरकार से नाराजगी तो है किसानों को, आम लोगों को भी है। बिजली का भी एक बता देते हैं हम, हरियाणा में भी इसी विचारधारा की पार्टी है, वहाँ पे 15 रुपये हाउस पावर बिजली का रेट है एग्रीकल्चर पे, और यहाँ पे 175 है, तो अंतर ज्यादा है। लोग यही तो पूछते हैं कि क्या योगी जी से मजबूत खट्टर साहब है क्या, ये लोग पूछते हैं। अगर कोई पंखा बल्ब जलाता है अपना तो 1200 रुपये देना पड़ता है उसको गांव में, बहुत बुरी स्थिति गांव की है। क्या गांव के लोगों को जो गरीब आदमी वोट के बदले में अनाज वही उनका हो गया कि हमने फ्री में सब चीज दे दी, उनको रोजगार चाहिए तो लोग तो तरसते हैं। 13 महीने आंदोलन हुए, हमको 22 जनवरी के बाद में भारत सरकार तो मिली नहीं, ना यहाँ की सरकार कोई मिली। 22 जनवरी 2021 एक साल से ज्यादा हो गया, कोई सरकार का नुमाइंदा किसानों से पूछने नहीं आया, 13 महीने वहां पर रहे। तो भाई इस तरह के लोग चाहिए। तो हमने जनता को कहा है कि आधे रेट में अपनी फसल को बेच के कहां आपको वोट देना है, आप दे सकते हो। आवारा पशु इस तरह से बर्बाद किसान के खेत हो रहे हैं वो आप देख सकते हो। जमीन छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा, किसान के पास तो जमीन चली गई, हमने सरकार को कहा भाई ये जमीन कैसे बचेगी। किसान क्रेडिट कार्ड 300% का इंटरेस्ट देता है किसान, 1 लाख रुपए अगर उसने बैंक से ले लिए, एक रात के लिए बैंक में जमा करते हैं वो 10,000 रुपया देना पड़ता है उसको एक रात का। तो कोई पॉलिसी उस तरह की नहीं है कि सरकारें ठीक उससे काम कर रही हो। हम वोट की नहीं बात करते किसी भी, किसको कहां देनी क्या करनी, हम तो अपनी बात बता रहे कि हम तरसते हैं।